अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर एसमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर की 55 मिशन स्पेशल। तो मिशन लॉन्ग करके बोर नहीं किया मैंने, सब कुछ जल्दी जल्दी कर दिया है, ठीक है। तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा, तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड 55 की तरफ। लेट स्टार्ट। जब तक वो किचन में आया पराठे गर्म करने के लिए, शिजा ने तवा बर्नर पर चढ़ाया, क्योंकि माइक्रोवेव में पराठे गर्म करने से उसके बकौल उनका क्रंच ख़त्म हो जाता है। आहिल ने गहरी पुरसतायश निगाहों से स्याह कपड़े वाली हसीना को लताड़ा और कुर्सी खींच कर बराजमान हुआ, पर वो बेबाक निगाहें शिजा के बालों से हटने पर तैयार न थी। यहाँ आओ, शिजा के हाथ थमे, वो बहुत प्यार से पुकारा। काम कर रही हूँ आहिल, इसी प्यार से मना किया। काम करके आओ, लहजा बहुत कुछ जताने वाला शरीर था। शिजा ने पराठा गर्म किया और लाकर उसके सामने प्लेट में रखा। अचार की कवर डिश भी आगे सिरकाई, जबकि चाय वो न्यू बनाने के लिए वापस पलटी। मैं चाय नहीं पीऊँगा, बस तुम यहाँ आ जाओ। कुर्सी समेत सिरक कर शिजा तक पहुँचे, उसका हाथ खींचा और अपने सामने ला बिठाया। आहिल की दीवानी हरकतें क्यों करना शिजा का दिल बौझल करती कि वो जवाबन वैसी गर्म जोशियाँ यहाँ चाह कर भी ना कर पा रही थी। खिला भी दो, नवाबी अंदाज में दोनों हाथ ग्लास मेज पर टिकाए नई फरमाइश की, और शिजा ने बिल्कुल एतराज ना करते जल्दी से पराठे का नवाला तोड़ा और इसे गोल करती आहिल के होंठों तक लाई। मुझे लगता था ऐसे नखरे बस माँ उठाती है, बीवी से लाड उठवाने का मजा तो अलग ही है। आई एम लकी, नवाला मुंह में लेकर शिजा का वही हाथ पकड़ कर चूमते इसके लबो रुखसार पर अपने जसारती लहजे से गुलाल उतार कर आहिल को डेरों राहत मिली। आहिल, वो कहना यही चाहती थी कि दोस्त ऐसा नहीं करते, पर ना जाने क्यों ये कहना इसे आहिल से नाइंसाफी लगी। अच्छा किया तुमने ये नहीं कहा कि दोस्त ऐसा नहीं करते, वी आर नॉट ओनली फ्रेंड्स। एक बात कहूँ, यकीन करोगी मेरा? वो शिजा के लिए जितना उसके जायज़ होने पर खुश था, इतना अफसरदा भी इस तकलीफ के लिए था जो शिजा बाप से मिलकर सहने वाली थी। पूरी दुनिया में इस वक्त मेरे लिए काबिल यकीन बस आप हैं आहिल, आवाज़ में जी भरकर नमी घुली। आहिल ने उसके हाथ की पुश चूमते वापस नज़र शिजा पर डाली। अगर मैं ये कहूँ कि तुम नाजायज नहीं हो, बिना सबूत मेरा यकीन करोगी? आहिल के सवाल पर शिजा के चेहरे के तासुरात कुछ गमजदा हो गए, आंखों में रहम तलबी उतरी। कर लूँगी, पर इस वक्त इस सिचुएशन में हूँ कि दायमी करार बस सबूत दे सकता है। वो दिल ना तोड़ कर साबित कर गई कि आहिल के लिए वो मोहब्बत में बड़ी जल्दी बहुत आगे निकल गई है। हो सकता है दो दिन तक तुम्हें सबूत भी मिल जाए, तुम्हारे मेरे साथ जाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। तब तक तुम और मैं कराची घूमते हैं, क्या ख्याल है? घर में यूँ अकेले रहे तो तुम भी भूल जाओगी हम दोस्त टाइप चीज़ें हैं अभी, यू नो वट आई मीन। वो जो समझा रहा था, इसकी तपश ने शिजा की पलकें आंखों पर साया बना दी, शर्म से गाल तपने लगे। यस, बिना नज़र मिलाए हाँ मिलाई, आई लव यू। वो घबरा कर जब तक हथेली उसके होंठों पर रखती, आहिल ने जुमला पूरा कर लिया था। आहिल उसकी हथेली चूमते आँच देता मुस्कुराया, तो शिजा ने हाथ जल्दी से खींच कर लबों को मुस्कुराहट से मुनव्वर किए ही दूसरा नवाला तोड़ा, और आहिल को बिना देखते ही वो बाकी का नाश्ता इसे खिला रही थी, जबकि आहिल की भटकती निगाहें कुछ करवाने पर साफ साफ अमादा थी। हाय ये लड़का, चूँकि घर रहना खतरनाक था, तभी नाश्ते के बाद वो घूमने निकल गए। वहाँ से हातिब ने दोनों को डिनर के बजाय लंच की दावत का पैगाम भेज दिया। आहिल ने जो कुछ हुआ वो सब मामला हातिब से पहले ही डिस्कस कर लिया था। तभी हातिब इन दो को लंच करवाने के बाद इब्राहिम के साथ फ्लाइट पकड़कर वापस नतालिया रवाना हो गया, जबकि आहिल और शिजा को वो बहुत ज़्यादा तसल्ली देकर गया कि कुछ भी हो, वो दोनों इसे जब भी पुकारेंगे वो सर के बल मदद के लिए आएगा। अपनी आंखें खुली रखना दोनों। फाइनली मिशन के लिए इटली का पैरासाइट अपनी 30 रुकनी काबिल टीम के साथ तैयार था। सब ब्लैक पैंट शर्ट जैकेट्स पहने, हैट्स और मास्क चढ़ाए, पैरों में ब्लैक ही शूज पहने। आज का दिन इटली की तारीख में एक बड़ी हिफाजत के नाम पर लिखने के लिए तैयार थे। याकूत भी हिफाजत के लिए तैयार थी। इसने पारस पर जितनी हिफाजत थी सब फूंक ली, पर दिल फिर भी सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा रहा था। पारस ने सबको बुलेटप्रूफ जैकेट्स दी थी सिवाय अपने, और इस मामले में इसने रुशाने की भी ना सुनी थी। तभी वो ज़्यादा फिक्रमंद थी। हादी और सबील को
एक बार फिर पारस ने मुख्तात रहने की हदायत की, जो एफपी रहकर फरीदौन तक पहुंचते उसके सगों को पिछाड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे। टीम रवाना हुई तो सबील ने मुस्कुराकर हादी की तरफ देखा। मुस्कुरा रही हो? हादी का सवाल और उसके सवाल की क्यूटनेस पर सबील की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। हाँ, इस बात पर कि मिशन के बाद हमारी हॉलीडेज हैं और मैं तुम्हारी नानी से मिलूंगी। सबील ने ऐसे जवाब की हादी को तवक्को ना थी। मेकानी तौर पर वह सबील की तरफ खिंचाया, बेहद कम फासले पर आकर रुका। फिर कुछ सोचकर इसने अपने हाथ में सबील के पहलू में गिरे हाथ को लिया। सबील ने घबराकर हादी के हाथ से निगाह उसकी आंखों तक लाई। नानी को छुलटा सीधा कहें तो सीरियस मत लेना, ये बात अभी याद आई तो सोचा बता दूं, बाद में भूल ना जाऊं। वो हादी के हाथों की जुबान और उसकी आंखों की कहानी में गुम थी। तभी जो वो बोला बस एक छल लगा। ये आम सी बात थी, तुम्हारा बताने का तरीका फिर इतना खास क्यों है हादी? वो उसका ध्यान आंखों और हादी के हाथ पर दिलवा कर धड़कनों से खेल गई। क्योंकि जिसे बता रहा हूँ वो मुमकिन है बहुत खास हो। हादी ने अब भी कुछ वाजिया ना किया, शायद वो सबील के ताज़ा ताज़ा टूटे दिल की किरचियों से अब भी खौफज़दा था। तुम्हारे लिए? सबील ने हैरानगी और आस की मिली जुली कैफियत में इस्तफसार किया। वो कुछ बोल ना सका, उसे देखता रहा। वो जवाब पा चुकी थी तभी इन पुरसरार हद तक मबहूत निगाहों से आंखें चुरा गई। कॉफ़ी पियोगे? हाथ छुड़ाकर जल्दी से इस फसों को झटका, ऐसे ही बिना सोचे पूछ बैठी, जिसने सबील को के देखते ही अपने हाथ से निगाह हटाकर हाथ को मुट्ठी बना लिया। बिना शुगर याद है ना, हादी की आंखों में उसके महबूब होने का रंग था। वो घबरा गई। अच्छे से इन निगाहों से कतरा कर वो मुस्कुराई, जल्दी से पलटी और इससे दूर चली गई। पर दूर जाते वो महसूस कर रही थी आसपास किसी की इतनी सी तवज्जो पर फूल खिल उठे हों। एंडी रिंगहेटा माफिया वर्ल्ड वाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हक में पास बिल के लिए रशिया और इटली के प्रेसिडेंट अपने हेलीकॉप्टर्स के थ्रू वेन्यू पर पहुंच चुके थे। बहुत VIP और सिक्योरिटी से अटा कॉन्फ्रेंस हाल कई दिन की जांच पड़ताल के बाद सिलेक्ट किया गया था। पारस भी अपनी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस हाल में मौजूद था और पारस की टीम पूरे हाल में जगह जगह बिखरी थी। रोशानी सिक्योरिटी टीम के साथ ही थी लेकिन वो पारस के आसपास घूम रही थी। अंडरवर्ल्ड ने जिस कातिल और शार्प शूटर को प्रेजिडेंट्स को शूट करने भेजा था वो एक वेटर बनकर आया था, जबकि रोशाने कैटरिंग के साथ थी और इसी ने इस मशकूक आदमी का पीछा किया। पारस के साथ वो कनेक्ट थी। इसी वेटर ने किचन पहुँच कर देखने के बाद किनारे जाकर दीवार पुश की तो वो खुल गई। रोशाने जल्दी से शेल्फ के पीछे छुपी। इस वेटर ने इस अंदर हुए कमरे के फर्श में बनी जगह खोली तो अंदर स्नाइपर गन बैग था। रुशाने ने जल्दी से इस आदमी की पिक अपने गले में मौजूद नेकलेस में फिट कैमरे से लेकर पूरी टीम को अरसाल की और खुद इस वेटर के इसी रूम से टायर सीढ़ियाँ चढ़ने पर पीछे ही लपकी, अपनी गन निकाल ली। वो आदमी सेकंड फ्लोर पर जाकर वहीं से दोनों प्रेसिडेंट्स को शूट करने वाला था। रुशाने ने उसका पीछा जारी रखा जबकि इस आदमी ने ठीक कॉन्फ्रेंस हॉल के स्टेज का निशाना बनाते अपनी स्नाइपर फिट की। साथ ही इसने एयरपॉड्स भी लगा रखे थे। पारस ने नीचे हाल से ऊपर रोशाने को सिग्नल दिया। जैसे ही इस आदमी ने गन फोकस की उसके सामने रोशाने आई। इस आदमी ने स्नाइपर गन से हटे दूसरी गन निकाली ही कि रोशाने ने एक ही झटके से इस आदमी की कलाई मरोड़ी, लेकिन इससे पहले वो उसे काबू करती किसी उड़ती गोली ने स्नाइपर मैन की कनपट्टी चीर दी। मजीद दो गोलियां चली और स्टेज पर मौजूद दोनों प्रेसिडेंट्स जो कि दरअसल कॉपी बॉडी थे वहीं ढेर हुए। एक आदमी हॉल से जब भागा तो पारस ने रोशाने को नीचे आने का इशारा करे खुद अपनी टीम के सपुर्द यहाँ का काम दिया और बाहर दौड़ा। दोनों कॉपी पेस्ट के मरने पर आवाम चीखने कर लाने लगी, लेकिन जब नजफ और रहबर अंदर से दोनों प्रेसिडेंट जो बुल प्रूफ जैकेट्स में थे लाए तो भगदड़ में जैसे कमी आई। फौरन से दोनों असली प्रेसिडेंट्स को हाल से निकलवाया गया, जबकि दूसरी तरफ जब तक पारस इस आदमी के पीछे दौड़ा छत से दीवारें फलांगती रुशाने भी पूरी स्पीड से दौड़े मेन रोड पहुंची। वो भागने वाला आदमी जिस तरफ गया वहां और भी कई गाड़ियां थी। याकूत, मेरे दिल की स्पीड से 1000 गुना तेज चलाना गाड़ी, लेट्स गो। पारस ने गन और सीट संभाली जबकि रुशाने ने मुस्कुरा कर जल्दी से ड्राइविंग सीट और फिर गाड़ी फराटे बढ़ती कैलिब्रिया की खुशपोश एरिया में इस भगोड़े का पीछा करने लगी। वो लोग मुसलसल पीछे को फायरिंग करते गाड़ियां भगा रहे थे। पारस ने भी लगातार फायरिंग करके मुंह तोड़ जवाब दिया था और फिर पारस की गन से चलती गोली इस भागने वाले आदमी के साथ इस वाली गाड़ी के ड्राइवर का काम भी तमाम कर गई। वो गाड़ी तवाजन खोकर सीधी फ्यूल टैंकर के साथ टकराते ही बुरी तरह धमाके से फटी।
जबकि दूसरी गाड़ी भी टैंकर स्टैंड से लगकर हचकोले खाती तबाह हुई। लेकिन इस सब धमाके से बच रुशाने और पारस की गाड़ी भी ना सकी। किसी भारी टैंकर का हिस्सा गाड़ी के बोनट पर आकर गिरा, जिस सबब गाड़ी का फ्रंट मिरर भी टूट गया और गाड़ी भी धुआं छोड़ने लगी। ऊपर से उनकी गाड़ी के पीछे लगती कि नामालूम गाड़ी ने रुशाने को इस हालत में भी गाड़ी भगाने पर मजबूर कर दिया। वो लोग भी फायरिंग कर रहे थे और रुशाने को ऐसा लगा जैसे पीछे से गोली आकर उसके आस पास कहीं दूसरी है। इसने पारस को देखा जो मुसलसल पीछे आती गाड़ी को फायरिंग से रोकने की कोशिश में था। रुशाने के दिल में अजीब सी टीस जगी। आबेल को आसिया ने आज पिक ना किया बल्कि ड्राइवर को भेजा, क्योंकि वो उसका फेवरेट लज़ानिया बेक करने में बिजी थी, जबकि मोहनी भी उनके साथ किचन में हेल्प के लिए मौजूद थी। पर आसिया ने इसे अभी नहीं बताया था कि ये सब वो आबेल के लिए बना रही थी। लुकिंग यमी, अमन में रखने से पहले चीज डालने में मोहनी ने भी भरपूर हिस्सा डाला। आसिया ने उसकी गाल थपकी और मुस्कुराकर वो रेक्टेंगल ग्लास ट्रे ओवन में रखा। तभी हॉर्न की आवाज़ पर मोहनी चौंकी। क्या किसी ने आना था मम्मा? मोहनी ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारे मोहना ने, आसिया कहकर किचन से निकली तो मोहनी जो लम्हा भर सदमे से रुक गई थी जल्दी से पीछे ही लपकी। आबेल घर में एंटर हुआ तो आसिया ने उसके पास जाते उसका हाथ पकड़े चूमा। आ गया मेरा मफरूर बच्चा। मामा के शिकवे पर जनाब शर्मिंदा होने की एक्टिंग करते नजर आए, जबकि मोहनी के कदम किचन के दरवाजे में ही थम गए। आबेल ने ब्राउन टी शर्ट के साथ हाफ वाइट जीन्स पहन रखी थी, पैरों में अच्छे स्टाइल शूज, जबकि ग्लासेस उसकी आंखों पर ज्यादातर रहती थी। वो मामा के साथ लाउंज की तरफ जा रहा था और मोहनी में आज पहले की तरह भाग कर इससे लिपट जाने की हिम्मत का फुकदान था। मैं जाऊँ या नहीं, क्या हो रहा है मुझे? अपना पैर उठाकर आगे किया पर फिर पीछे ले गई। तहकीकत वो मोहना के साथ बदलते अपने हर रिश्ते के लिए फितरी हिचकिचाएपन का शिकार थी। मेरे काफी जार का दुश्मन आ गया है और काफी हद में है। मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ मोहनी की चीजें भी लेनी है। तुम तब तक फ्रेश हो जाना, फिर साथ खाना खाते हैं। मैं मोहनी को भेजती हूँ। आसिया ने उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने के साथ मोहनी की जब झिझक भांपी तो उन्हें इससे बेहतर प्राइवेसी समझ ना आई। मामा को मुस्कुरा कर ओके किए, वो एकदम किटन की गोद में आ बैठने पर हंसा। खुद आसिया ने झुककर इस छोटे से रशियन डॉग को आबेल से लाड करने पर सर पर सहलाया और चली गई। मोहनी अब तक किचन के डोर से झांक रही थी। मम्मी को देखते ही अंदर होकर पलट गई। आज जाकर नहीं लिपटना मेरे बच्चे ने, जाओ कपनी दो, मैं तुम दो से शाम में मिलूंगी। मेरा कुछ और भी काम है, भूख लगी तो खाना खा लेना तुम दोनों, और लज़ानिया खुद मत निकालना। आबेल को कह दिया है, वो निकाल लेगा अमन से बेक होते ही। आसिया करीब आई और मोहनी के गुलाबी होते गालों को हाथों के प्याले में भरा। वो मामा को देखती आंखों में आंसू समेट लाई। मुझे इनसे पता नहीं क्यों शर्म आ रही है, भले वो नहीं देख सकते मुझे। मोहनी ने मुतजब्जब होते अपनी उलझन बताई। नई नई दुल्हन होना, तुम्हारी जगह जब मैं थी आबेल के बाबा से ऐसे ही शर्माती फिरती थी। इट्स नॉर्मल, चलो मैं निकल रही हूँ, साथ टाइम गुजारो। आसिया ने उसकी फितरी शर्म अच्छे से मिटाते माथा चूमा, जिस पर मोहनी ने मामा को डोर तक सी ऑफ किया और बंद करे वापस लाउंज की तरफ जब जा रही थी तो पैरों में मानो जान कम पड़ रही थी। वो किटन से खेल रहा था, ये देखते घबराहट को जलन बनने में लम्हा लगा। मोहना, वो पास आकर रुकी। आबेल उसकी आवाज़ सुने ताकुब में नजरें उठाकर अपना हाथ बढ़ा गया। कहाँ छुपी थी, गले क्यों नहीं लगी पहले की तरह? मोहनी ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया। आबेल ने शिकवा करते से अपने पास बिठाया। आप देख पाते तो कहते मोहनी शर्मा रही है। उसकी डूबी सी सरगोशी आबेल को हंसा गई। मोहनी क्यों शर्मा रही है, वो इसी के लहजे में छेड़ते बोला। मोहनी ने उसके चेहरे को इतने करीब से देखकर गहरी आसूदा सांस ली, जैसे कह रही हो थैंक गॉड अब इतने पास फिर दिखाई दिए, क्योंकि मोहनी को प्यार आ रहा है आप पर। इसने आबेल के हाथ को पकड़ कर चूमा। इसके मासूम से लम्स ने आबेल की सारी थकावट दूर की। वो कुछ ना बोला। अब मुझसे दूर नहीं जाना आबेल, जरा भी नहीं। मोहनी के लहजे की धीमी सी आस पर आबेल ने उसका हाथ अपने हाथ में अच्छे से लेकर दबाया। बहुत मिस किया है मुझे, दिल चाहता था वो बोलती रहे और वो सुनता रहे। किटन नामी डाग अब भी आबेल की गोद में था, लेकिन मोहनी को इस वक्त आबेल के साथ वो भी बर्दाश्त ना हो रहा था। मैं बता नहीं सकती, आप समझ जाएं। नजर आबेल के किटन के बालों में फंसे हाथ पर डाले, मोहनी ने आस्तगी से उसके बाजू से सर टिकाया। मुझे लग रहा है तुम जैलस हो रही हो। वो इसे देख ना सकता हो, वो इसे महसूस अच्छे से कर सकता था। मोहनी ने सर उठाया।
मैं मर रही हूँ आपके हाथ के किसी और को छूने पर, जलना मामूली चीज़ है। मोहनी के अल्फाज की हिद्दत थी या तमाजत कि आबेल इसहाक लम्हा भर हिल ना सका। ये मिस कर रहा था मुझे, लाड चाहिए इसे। आबेल ने जल्दी से बोलने की कोशिश के बीच किटन के बालों में फंसा हाथ निकाला। हाँ, मेरे सिवा सबको कर लें लाड। आंखें आबेल के पास होने पर भी इसे कोसों दूर महसूस किए भीगी। तब फतन आबेल ने अपना दूसरा बाजू मोहनी के तरफ लपेट कर इसे खुद से लगाया। क्या चाहिए? आबेल की सरगोशी जैसे ही मोहनी के कान में उतरी, इसे लगा किसी ने रोने का हक छीन लिया हो। आप पूरी तवज्जो के साथ अपने होंठों को चेहरा ऊपर उठाकर आबेल के कान से जोड़ते वो हाथ बेख्तियार आबेल की शर्ट की कॉलर के गिर जकड़ गई। मुझे भी पूरी तवज्जो के साथ तुम, किटन को अपनी गोद से उतार कर बगाए वो दूसरे हाथ को भी मोहनी की तरफ लपेटे अपने सीने से लगा गया। मोहनी के हर दर्द को करार मिल गया। आपके होते मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है मोहना? उसकी शिद्दत आबेल को रश्क दिलाने को काफ़ी थी, जिस संग वो इसके गले लगी थी। जो भी हो रहा है जानकर क्या करोगी? आबेल ने भी उसको जी भरकर महसूस किया। वो जल्दी से उसका हिसार तोड़े रूबरू आई और दोनों हाथों में आबेल का चेहरा भरा। अब आप मेरे पास रहेंगे ना प्लीज? आबेल ने उसके हाथों को पकड़ते उसके माथे को चूमा। वो इतने आसूदा लम्स पर भी तड़प गई। नहीं, 2 वीक बाद मिलूंगा, कुछ काम है स्वीडन में, इसके बाद मैं तुम्हें नतालिया ले जाऊंगा साथ। आबेल ने इसे माथे से माथा जोड़े इतनी लंबी जुताई का बताकर जान ही ले ली। 2 वीक मैं सच में मर जाऊंगी। उसकी गुटी सिसकी सुनते आबेल ने उसके होंठों को छुआ बेहद प्यार से। शिकवा, शिकायत और बोलने के लिए इस्तेमाल होता हर्फ हर्फ या आदाज से इस प्यार भर एक दाम पर निकल गया। तुम्हें इल्म नहीं शायद, लेकिन महबूब लोग जब यूँ मरने की बात करते हैं ना, तो अपने चाहने वालों को खुद से पहले मार देते हैं। मैं आ जाऊँगा मोहनी, तुमसे दूर तो नहीं हो रहा? ऐसे तकलीफ में रहोगी तो मैं कैसे जा सकूँगा? आबेल से इस लड़की की हालत संभालनी और महसूस करनी मुश्किल थी। वो सच में इस हाल पर आ चुकी थी कि इसे आबेल के बिना सांस आना मुश्किल लग रहा था। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही, आपको फ्लाइट से पहले सोना होगा ना? मोहनी ने जल्दी से आंसू साफ किए और आबेल का हाथ अपने हाथ में लिया। हाँ, 2 घंटे सोना चाहता हूँ, लेकिन तुम कहो तो मैं नहीं सोता। आबेल की नींद पूरी ना होती तो मोहनी दुगनी परेशान रहती। इतनी जालिम नहीं हूँ, आ जाएं। वो उठी और आबेल का हाथ पकड़े खींचा, जिस सबब वो भी उठा, लेकिन फिर मामा की जिम्मेदारी पर पहले वो किचन गए। इसने मोहनी की हिदायत पर बेक लजानिया पहले ओवन से निकाला, इसे कवर किया, आबेल को कमरे में लाए, इसे मैट्रेस पर बिठाए, वो जाकर मेन लाइट ऑफ कराई। आबेल ने तकिया दुरुस्त किया और अपना हाथ फैलाया। मोहनी जो रूम से जाने या यहीं ठहरने का फैसला करने में लगी थी, भाग कर आई और अपना हाथ आबेल के हाथ पर रखा। इसे पकड़कर अपने सीने पर गिराते लेटते आबेल ने फिर से उसके संभलते ही शिद्दत से माथा चूमा। मेरे साथ रहो ताकि मैं तुम्हारी खुशबू इतनी चुरा लूँ और अपने साथ ले जाऊँ। जाते हुए तुमने एक सवाल पूछा था मोहनी। वो जो उसके सीने के तहत पर गुड़िया की तरह सुकून की दौलत पाए पड़ी थी, जल्दी से सर उठाकर नीम सी रोशनी में आबेल के खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। फिर हाथ की उंगलियां इसने आबेल के चेहरे से मस की, फेरी अंगूठे की पोर से आबेल के निचले लिप को छुआ। ये क्या, आपको मुझसे मोहब्बत हुई या नहीं? मोहनी इसको देखकर खुद को रोकना कठिन जान रही थी। वो इसे सुकून दे रहा था, राहत दे रहा था। मुझे मोहब्बत का नहीं पता, लेकिन मेरी हालत तुमसे मुख्तलिफ नहीं, बहुत याद आई हर लम्हा, मैं सो नहीं सका। मोहब्बत के इजहार में भी जब वो नींद ले आया तो मोहनी जो उसके होंठों को होंठों से छूने की ख्वाहिश कर रही थी, खुद को रोक लिया। ठीक है, अब 2 घंटे सो लें, शायद ये शिकवा दुल जाए कि मैं सोने नहीं देती। वो चेहरा झुका गई। आबेल ने उसके इतराफ लिपटा हाथ जकड़ा तो मोहनी फिर से नज़र उठाकर आबेल को देखने लगी। फाइन, मैं वाकई सो रहा हूँ। आबेल की आँखें बंद करने पर मोहनी के होंठ मुस्कराए। 2-3 मिनट वो आबेल की बंद आँखें तकती रही, फिर ज़रा उसके चेहरे पर झुकते अपने होंठ उसकी गाल पर रखे। आबेल ने दोनों बाजुओं में उसकी नाजुक से वजूद को बेचा पर आंखें बंद रखी, जिससे मोहनी को आबेल की मुकम्मल इजाज़त मिली। मोहनी ने वैसा ही बड़ा प्यार बड़ा लम्स आबेल के होंठों के पास रखकर इस शख्स में तड़प जगा दी। मोहनी, मैं जाग रहा हूँ। आबेल ने उसकी मोहब्बत भरे इकदाम और नमाहटें निछावर करने पर ज़रा एहतियात बरतने की ताकीद में समझाया, मैं सुला रही हूँ आपको। वो अब भी वैसी ही उसके चेहरे को अपने मनपसंद हितों तक छू रही थी।
आबेल ने हाथ उसके बालों में फेरते उसका चेहरा हुद पर झुकाकर करवट बदली और अच्छे से बताया कि वो कम से कम उसके पहलू में सोने वाली चीज नहीं है। यू नो व्हाट आबेल, जब जब आपके बगैर मैं आराम के लिए लेटती हूँ ना, अब मुझे आराम नहीं मिलता, लेकिन अभी लग रहा है वो सब खोया हुआ सुकून वापस मिल गया। मुझे पता है क्या लगता है, उसकी गाल से चेहरा लगाए इस पर आधा वजन डाले उसकी बाजुओं को अपनी गर्दन में लपेट गया। तभी मोहिनी के सवाल पर मुतवज्जो हुआ। क्या? आबेल ने उसकी गर्दन की जल्द शिद्दत से चूमी कि वो कराहसी उठी। उसके हाथ की गिरफ्त ने आबेल की शर्ट मुट्ठी की सूरत बेची। यही कि ब्लड की कमी से ज्यादा डेंजरस अब मेरे लिए आपकी कमी है, वो अपनी हर राहत बताने में बेबाक थी। आबेल को डर लगा कहीं ये सारी राहतें मुख्तसर ना हो, बहुत मोहनी से अजीब तरह की शिद्दत से जुड़ चुका था। मैं ये दोनों कमियां कभी नहीं होने दूंगा तुम में, बस तुम ये याद रखो कि तुमने मेरे लिए हमेशा मौजूद रहना है। दो वीक बाद शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूँ आकर, पीछे से ना रोना है ना तड़पना है, कहो तो मैं दो वीक का सारा प्यार कर देता हूँ। उसके अल्फाज सुन रही थी मोहना के दिल की धड़कन, उसके हाथों का छूना भटकना सब जी रही थी कि उसके आखिरी जुमले पर सहम गई कि कैसे करेंगे, दो वीक का सारा प्यार तो मैं दो दिन में डाइजेस्ट कर लूंगी, वो कभी बर ही नहीं सकती थी। उफ, आबेल का उसके बालों में छुपकर ब्लश मुस्कराना, ज्यादा करूंगा, वो बड़बड़ाया। कितना ज्यादा? वो मछली, बहुत ज्यादा, वो बहकने लगा था। सोए शाबाश, मैंने आपके पीछे आपको याद करने के लिए जिंदा रहना है मोना, दर्द पर हाय हाय करके मरने का कोई मूड नहीं। वो जैसे डांट गई आबेल के सरूर को पड़ लगे। मुझे भी प्यार हो गया तुमसे तो क्या करोगी, प्यार से बात बढ़ गई पर उफ इस आदमी की सादगी, फिर हाय हाय करके मरने की आदत डालूंगी। मोहनी ने उसके कान में सरगोशी की, उसके पहलू में बहुत सुकून में था, अपने बेहतरीन रूप में था। बदतमीज, बस मरने की बात आती है तुम्हें, सो रहा हूँ वो भी दुखी होकर। आबेल ने अपना वजन हटाया और करवट भी सीधी की। मोहनी ने जल्दी से इस पर चढ़कर हावी होकर बाजू आबेल के सीने से लपेटी। आप मुझसे मेरे मरने से पहले प्यार कर लें बस, मैं और कुछ नहीं चाहती, गॉड ने मेरे अंदर आपको पूरा उतार दिया मोहना, अब मुझे खुद में भी आप नजर आते हैं। मोहनी ने उसकी गाल को चूमते आंखें मोन ली, पर जो कह बैठी थी इस पर आबेल अब चाह कर भी नहीं सो सकता था। दोनों प्रेसिडेंट को बाहिफाजत निकलवा कर महफूज जगह पहुंचा दिया गया, पर जो रुशाने की गाड़ी का हाल हुआ था वो लोग मजीद आगे ना जा सके। गाड़ी एक निजी से डिस्पेंसरी मार्केट के बाहर रोके, वो खुद भी निकली और दूसरी तरफ से आकर पारस की तरफ का गेट भी बूट मारकर तोड़ते अलहदा किया। पारस इससे पहले निकलता कंधे पर महसूस होते दर्द पर बाहर निकलते कराहा। रुशाने ने जब हाथ उसके कंधे पर रखकर अपने सामने हथेली की तो वो खून से तर हो गई। आपको गोली लगी और निकम्मे इंसान आपको पता ही नहीं, रुशाने की जान सी लबों पर आई, पता नहीं कब लगी। पारस ने भी अब यकदम दर्द की भयानक लहर पर हाथ खून फूटते कंधे पर रखा, जबकि रुशाने ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों में उतर आती तकलीफ छुपाई। क्या उसके पारस का जिस्म तकलीफ को दिमाग में पहुंचाने में नाकारा था? ये सोचना इस लड़की के पैरों से जान निकालने जैसा था। डोंट वरी, ये कोई डिस्पेंसरी लग रही है, आए। रुशाने ने गाड़ी में रखे बैग को लिया और पारस का हाथ पकड़ती अंदर दाखिल हुई। पारस को गर्दन और कंधे के बहुत करीब गोली लगी थी और अब इसे बहुत बुरी तरह तकलीफ हो रही थी। रुशाने ने अंदर जाते इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ कोई बैठने को चेयर ना थी। तभी बूट मारते टेबल को गिराया और पारस को एहतियात से इस टेबल की सतह से टेक लगवाए। पहले तो पास बैठ कर उसकी शर्ट उतारी। पारस का हाथ खून से अट चुका था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते, कितना कहा था, पर नहीं, आप तो पैरासाइट हैं भाई। हाँ, तकलीफ गुस्सा बनी क्योंकि शर्ट पीछे करने की देर थी कि पारस की मजबूत शाने में दूसरी बुलेट और इर्द गिर्द से रस्ते खून ने रुशाने की रूह लरजा दी। गोली निकालो रुशाने, इट्स हर्टिंग बैडली, इसे दर्द भी आम लोगों से ज्यादा हो रहा था। रुशाने ने अपना गुस्सा खनूज मुंह पर सजाया और शर्ट में इसके साइड लटकाए, खुद जाकर कुछ बुलेट खींचने को ढूंढने लगी। बुलेट एक्सट्रैक्टर के साथ कुछ मरहम पट्टी का सामान मिला तो वो वापस इस तक आई। रुशाने ने उसका चेहरा देखा जो पीला पड़ रहा था। या अल्लाह, इस शख्स का हंसते चढ़ाते दर्द कम कर सकूं, इतनी हिम्मत दें प्लीज। रुशाने ने नजर लहजा बढ़ झुकाई और बैग से अपना एक एक्स्ट्रा स्कार्फ निकाला। जल्दी करें मोहतरमा, अपने कंधे पर जोर से हाथ रखे खून रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते पारस ने चिड़कर इसे होश दिलाई। रुशाने ने पहले तो स्कार्फ से पारस के माथे और चेहरे की नमी पोंछी
वो चीखना चाहता था, अल्लाह पूछे से। पसीना पूछना जरूरी था पहले या इसकी गोली निकालना, पर वो तो ऐसे पारस को देखकर कमजोर पड़ सकती थी। मोहतरमा को सिर्फ अपनी गोली निकालनी आती है, आपकी स्किन इतनी टाइट है डर है गुब्बारे की तरह फट ना जाए। इस वक्त भी इस लड़की को दिमाग का दही करना था। पारस ने लहू और शाम घूरी दी, वो पारस का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। बुलेट ऊपर दिखाई दे रही थी। उफ, फूंक मारते अपने मुकद्दर को पीटा गया। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? पारस ने झंबे से गर्दन मोड़कर हशमगी निगाहों से इस लड़की को देखा। आंखें पिटपिटाए बुलेट एक्सट्रैक्टर थामे मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही थी। नहीं तो अपना इतना खून निकलना देखना बहुत रिलैक्सेशन दे रहा है। पारस का लहजा धुआं हुआ। रुशाने ने उसकी इस तरह गुस्से में आने पर झटके से वो कंधे की जल्द में दूसरी गोली खींच ली। पारस इस दर्जा वहशी झटके पर चिल्लाया। रुशाने ने जल्दी से गोली सामने लहराई जैसे वो गोली नहीं वाज हो। पारस का पारा उसकी मुस्कुराहट पर चढ़ा। आखिर तुम चीज क्या हो, बंदा वॉन ही कर देता है। हामते दर्द के वजूद में उतरी लहर बर्दाश्त करते इस कसाई ने माँ बीवी को कोसा, जिसके दांत अब भी बाहर थे। खून मानो फवारे की तरह फूटा जिस पर पारस ने अपनी हथेली दबाई। आपकी जिंदगी में बिना वार्निंग आई थी जान, सब जो होगा आगे मरने तक वो बिना वार्न होगा। बहादुर बने। गोली निकाली गोली इस एक्सट्रैक्टर से परे करती और निढाल पैरासाइट का कंधा थपका कर तसल्ली देती उठ खड़ी हुई। लेकिन खुदा गवाह था कि तसल्ली नहीं थी, आज रोंगटे पारस के खड़े थे इस लेडी पैरासाइट के खौफ से। तुम जान ले लोगी मेरी, खून को रोको, बैंडेज लगाओ निकम्मी। पारस इसे एक्शन मार कर खड़ा देखे फिर चिल्लाया। वो जल्दी से मस्कीन मुस्कुराहट लिए वापस बैठी और उसके कंधे के बुलेट जख्म को इस बार नरमी से साफ किए बैंडेज लगाया। और जैसे ही रुशाने ने नज़र उठाई, वो नीली आँखें अपनी तमाम तर दिलकशी से तक रही थी। वो निढाल हो गया था, लेकिन इसने रुशाने की तकलीफ उसकी आंखों के गोशों का गुलाबीपन होश आते ही देख लिया। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड? इस वीक में बहुत मुश्किल से एपिसोड दे सकी हूँ। नेक्स्ट वीक में मैं हफ्ते की भी छुट्टी करूँगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। फिर सिर्फ 5 एपिसोड दूँगी अगले हफ्ते। बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान, इतनी इतनी बड़ी एपिसोड दिए और आप लोग अच्छे अच्छे तबसरे भी एक दिन देते हैं दूसरे दिन गायब हो जाते हैं, तो बहुत गलत बात है। सब पढ़ के लाइक भी नहीं करते, सब पढ़ के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब रिव्यू भी दिया करें, वरना मैंने जो गैप ले आने मैं आपको बता रही हूँ। तो मिलते हैं अब हम मंडे में इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही प्यारी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।